उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से एक बार फिर से कहा कि नए कृषि कानून जो है किसानों के पक्ष में है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि नए कृषि कानूनों को लेकर लगातार भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। पीएम मोदी ने कहा कि जिन लोगों ने किसानों की जमीन छीन ली है वो नहीं चाहते कि किसानों की आमदनी बढ़े। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। जनसंख्या बढ़ने के साथ खेती की जमीन छोटी से छोटी होती जा रही है, इसलिए देश में किसान उत्पादक संघों का निर्माण बहुत आवश्यक है। आज सरकार छोटे किसानों के हजारों किसान उत्पादक संघ यानी एफपीओ बना रही है। एक दो बीघा के 500 किसान परिवार जब संगठित होकर बाजार में उतरेंगे तो वो 500 हजार बीघा के किसान से भी ज्यादा ताकतवर होंगे। इसी प्रकार किसान रेल के माध्यम से सब्जियां, फल, दूध, मछली और ऐसे अनेक व्यवसायों से जुड़े छोटे किसानों को अब बड़े बाजारों से जोड़ रहा है। जो नए कृषि सुधार किए गए हैं इनका लाभ भी छोटे और सीमांत किसानों को सबसे अधिक होगा। उत्तर प्रदेश में इन नए कानूनों के बनने के बाद जगह जगह से किसानों के बेहतर अनुभव सामने आने में भी लगे हैं। इन कृषि कानूनों को लेकर भांति भांति का प्रचार करने की कोशिश की गई। ये पूरे देश ने देखा है कि जिन्होंने देश के कृषि बाजार में विदेशी कंपनियों को बुलाने के लिए कानून बनाया वो आज देसी कंपनियों के नाम पर किसानों को डरा रहे हैं। साथियों, राजनीति के लिए झूठ और अपप्रचार की ये पोल अब स्वयं किसान खोल रहे हैं।